ट्रैक ट्रैवल्स एंड फूड में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मुरलीधर। मानसर से शुरुआत की है शूट करना। ये पिछले बारिश में ये पूरा का पूरा पहाड़ नीचे गिर गया था, मलबा गिरा हुआ था काफ़ी देर, तो कुछ बारिश के समय तो काफ़ी लंबे टाइम तक भी बंद था मलसेज घाट जाना आना जाना। तो इसी का कजे शुरू कर कर उसको फिनिश कर रहे हैं ये लोग। हम इससे भी आगे बढ़ते निकले, जैसे टनल से बाहर निकले मेरे लेफ्ट साइड में हरिचंद्रगढ़ और मेरे राइट साइड में नानी घाट। पहुँचते रात 8:30 बज गई, तो हमने पहले तो टेंट लगाया। विंड स्पीड करीब 30 से 40 किलोमीटर पर हावर चल रही है। टाइम लैप्स लगा दिए हैं, तो टेंट खड़ा करने में बड़ा मशक्कत करना पड़ रहा है। हमने कैसे वैसे तो टेंट लगा दिए, अब दोनों टेंट हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। और इतने विंड में बॉनफायर जलाना काफ़ी चैलेंजिंग। तो हमने काफ़ी मेहनत करके इस बॉनफायर को जला दिया और उसी में फिर हमने अपना डिनर बनाना शुरू कर लिया। हम साथ में आते समय कुछ अंडे ले लिए, रोटी तो हमने घर से ही लेकर आए थे, तो यहाँ पे आए चिकन ग्रेवी बना लिए थोड़ा सा और अंडे उबाल लिए। उसके बाद हमने शुरू कर लिया खाना खाने की तैयारी। उसी आग पर हमने जो चिकन था हमारे पास उसी को रोस्ट कर लिए और शुरू कर दिया खाना। जैसे हम ट्रिक पे नहीं कोई पिकनिक पर आए हैं, तो चिकन 65 और चपाती, चिकन ग्रेवी और अंडे फिनिश कर लिया हमने डिनर और रात को सो गए। नाने घाट का दूसरा दिन में हमने सनराइज देखा, जो रेडी मिक्स होता है उसी में सूप बनाए। हमने सूप पिए, नूडल्स बनाए, पूरा नाश्ता हमने वहीं पर किया और चाय वगैरह बनाकर हम आगे निकल गए। अब हमारा मंजिल था जीवधन और जीवधन के लिए निकले। मैंने तो रास्ता भटक गया, तो तीसरी बार गांव किसी से पूछ लिया गांव वाले से कि रास्ता कैसे जाना है, तो मैं आखिर में रास्ता मिल गया। और ये दोनों चंगू मंगू ये पूरी रात हमारे साथ थे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए वहाँ पे हमें बोट दिखा, राइट साइड में वानरलिंगी और हम लेफ्ट की तरफ निकल गए। ऊपर चढ़ने में बड़ा थकावट लग रही है। गढ़ का जो किला है वो किले के मुख्य द्वार के तरफ पहुँचे, तो वहाँ हमने देखा कि काफ़ी मतलब डैमेज किया हुआ था। ये कहते हैं कि अंग्रेज लोगों ने जब इसके ऊपर आक्रमण कर कर इसको जीत लिया, तो जीतने के बाद उन्होंने वापस मराठा इस गढ़ को वापस बेस ना बनाए, इसलिए उन्होंने इसको सुरंग वगैरह लगाकर डायनामाइट से इसको सारे जो सीढ़ियाँ थी सीढ़ियों को तोड़ दिया है। और थोड़ी दूर चढ़ने के बाद एक महादरवाजा देखने को मिलेगा, जिसे सिंगौर भी कह सकते हैं। यहाँ पे
उन्होंने जो कार्विंग किया है स्टोन का लिंगेश्वर, थोड़ी देर वहाँ टाइम निकाल कर हमने और आगे बढ़ा। और ये एक समाधि थी, एक मंदिर भी है ऊपर, ये जीवाई देवी के नाम से जाना जाता है, शायद इसी की वजह से इस किले का नाम जीवधन किला ऐसे पड़ा। उसके दर्शन कर आगे निकले और आगे छोटे से रास्ते से होते हुए बीच में से उबड़ खबड़ रास्ते से होते निकल कर हम आगे बढ़ गए। ये जो फूल है ये तो बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा यहाँ पर। उस दान कोठार की तरफ जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जदान कोठार, ये आप देख रहे हैं, ये जदान कोठार, इसमें पहले दान रखा जाता था और यहाँ पे कुछ एम्यूनेशन भी रखा गया था। इसका जब अंग्रेजों ने इस पर अटैक किया तो अटैक कर जब जीत लिए उन्होंने इस दान कोठार को जलाया, तो ये कई महीनों तक ये जलता रहा और वो जो जलने की गंध है यहाँ पे हमें महसूस होती है और वो स्मेल अभी भी आता रहता है। पानी की टाँकियाँ वगैरह उन्होंने बनाए, ये बारिश का पानी यहाँ जमा होता था, पूरा साल भर वो उनको यूज़ करते थे, जो सैनिक यहाँ रहते थे वो यूज़ कर लेते थे। क्योंकि फिर अगली वीडियो में आपके साथ में रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।